honor me to honor my husband. I'm really thankful aap sabhi ko. Meri public speaking hindi mein thodi theek nahi hai. So I'll still try. आप सभी मेजर गांव से रानी को जानते हैं, पहचानते हैं, तो मैं आपके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि वो तो ना सूरज को दिया दिखाने का काम होगा. मैं बहुत खुश हूँ. काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो अभिमान और मान तो है ही, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मेजर रानी ने वो किया जो उन्हें हमेशा ही करना पसंद था. और एक होता है जब आपके फैमिली में जैसा जैसा बहुत अटैच होते हैं, जब वो एक फौजी होते हैं तो उनकी जो वो पागलपन होता है वो उनके परिवार में भी आ जाता है. तो वो पागलपन मुझ में भी है. जब वो मुझसे देश के बारे में बात करते थे कि जब मुझे स्टोरी सुनाते थे, तब उनका वो जो पैशन होता था, वो पैशन हैज रब्ड ऑफ ऑन मी एज़ वेल. वो ऐसा सोच रहे वो क्या कर सकते थे वो बताते थे. और मैं इन द बैक ऑफ द माइंड एज एन इंजीनियर, एज एन एमबीए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये सोचती थी. तो उसी के हिसाब से एक आई थॉट कि इंडिया का नाम वी शुड पुट ऑन द वर्ल्ड मैप. तो वी वर थिंकिंग, मैं परसों भी सोच रही हूँ कि जब वो रिटायर होंगे तब तक आई विल सेट अप सम बिजनेस, क्योंकि वो नहीं किसी से ऑर्डर नहीं ले सकते. ही इज हैबिटेटेड इन गिविंग ऑर्डर्स नाउ, ऑर्डर्स नहीं ले सकते. So we had decided that we'll build up a business or something, because maybe the MBA would be useful. So I thought, हाँ वहाँ से शायद मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ. But now जब मुझे opportunity मिली है कि wearing the uniform I can do something for the country, मैंने बोला बस यही अब आगे वो पागल बन. कठिन होता है स्पेशली जब जो फौजी होते हैं, जब वो बॉर्डर पे जाते हैं तो उन्हें पता है उनका परिवार, उनके बच्चे, उनके फैमिली को संभाल रहा है. विथ मी मैं अपने मेरा एक छोटा बेटा है 3 साल का. तो सबसे बड़ा आई से दैट आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया, उन्होंने मुझे ये परमिशन दी है कि मैं ये काम कर सकूँ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो काम आएगा वो उन्हीं के ऊपर होगा. तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. और बहुत कठिन ट्रेनिंग है, बट मुझे पता है कि कर्सोप इज विथ मी एंड वो मेरी ट्रेनिंग में हेल्प करते रहेंगे, मुझे पुश करते रहेंगे. उनके कुछ नोट्स हैं मेरे पास जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसका एक कोट मैं आप सभी के साथ शेयर करके आई विल स्टॉप माय व्हाटएवर स्पीच. इट इज फ्रॉम होरेशियस. होरेशियस एक आर्मी ऑफिसर थे अर्ली रोमन army mein, and his quote says, to every man upon this earth death cometh soon or later, and how can man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his god. It means jo bhi is dharti pe aate hain unhe aaj nahi to kal marna hi hota hai, lekin wo marna jisme aap apne पूर्वजों के लिए कुछ करें या अपने भगवान के लिए कुछ करें, उससे ज़्यादा अच्छा मरण कुछ नहीं होता. और हमारा भारत का जो प्रेम है वो हम अपने देश को अपना भगवान मानते हैं, तो इसीलिए वो कौशल का वो एक कोट को हमेशा रिसाइड करते हैं और हमेशा मुझे बोलते हैं कि ये कोट है दैट वी शुड ऑल लिव बाय, एंड आई होप दैट दिस कोट यू नो इट स्पीक्स टू यू एज़ वेल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर.